नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भानप्रिय। इंदौर शहर में अपराध करने वाले गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई जल्द ही फिर शुरू होगी। इसके लिए एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने बदमाशों के अवैध निर्माण को लेकर एसएसपी रैंक के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वाले बदमाशों को उनके अतिक्रमणों सहित चिन्हित कर नगर निगम से उनकी जानकारी जुटाए। एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र ने बताया कि शहर में चाकूबाजी, लूट और महिला अपराधों में जो भी बदमाश अब तक पकड़ाए हैं, उन बदमाशों की संपत्तियों की जानकारी लेने के साथ ही हमारी टीम में उनके अवैध अतिक्रमण की जानकारी भी नगर निगम के अधिकारियों की मदद से चिन्हित कर रही है। जिनके भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे, पहले नगर निगम से नोटिस जारी करेंगे, फिर उन्हें तुड़वाएंगे। हाल ही में परदेशीपुरा में गुंडे की हत्या करने वाले बदमाश राजा कचोरी पंपम उर्फ आशीष शर्मा और आजाद नगर के विराट नगर में अक्षय सिलावट की चाकू से गला रेत कर हत्या करने वाले बदमाश रोहित उर्फ छोटू पंडित शुभम और विकास की आर्थिक संपत्तियों व अवैध निर्माण की जानकारी के लिए एसएसपी प्रशांत चौबे को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि इसके पूर्व पूरे प्रदेश में गुंडों के मकान तोड़ने की कार्रवाई इंदौर के तत्कालीन डीआईजी रहे हरिनारायण चारी मिश्र ने शुरू की थी। इस कार्रवाई में डीआईजी मिश्र ने शहर के करीब 125 गुंडों के मकानों के अवैध निर्माणों को चिन्हित कर उन्हें तुड़वाया था। इस कार्रवाई में शहर के ख्यात गुंडे सतीश भाव, सत्यनारायण लुनिया, चेतन नाथ सहित कई लिस्टेड गुंडों के अवैध निर्माण तुड़वाए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से कई गुंडों की आर्थिक रीढ़ टूट गई थी और वह आर्थिक रूप से कमजोर हुए थे। वहीं कई बदमाशों पर इसका असर ये हुआ था कि वे अपराध करने से घबराने लगे थे। वहीं कई परिवार वालों ने अपने अपराधी बच्चों को अलग कर दिया था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।